नमस्कार किसान मित्रों, आज हम भिंडी की बुवाई ड्रिप पे कैसे करें वो जानकारी प्राप्त करेंगे। रॉयल फार्म चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पिछले वीडियो में जिस तरह आपको दिखाया गया था, उसी तरह बेड बनके तैयार हो गए हैं। इस पे हमने ड्रिप लगा दी है और जो एक फीट का डिस्टेंस है, इसमें बीच में हमने ड्रिप लगाई है और दोनों साइड हम 3-3 इंच की दूरी पर एक एक बीज लगा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे। और जैसे ही बीज लग जाए, अगर आप चाहे तो बेड पे पेंडीमिथाइल जैसे खरपतवार की दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे खरपतवार कम से कम हो। और फिर आप वीडियो में देख पा रहे हैं, उसी तरह ड्रिप चालू कर दीजिए। आप बेड में देख सकते हैं कि हमने जो पानी दिया, उससे पूरा बेड हमने पहले पानी से लबालब करके बेज बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया है, जिससे क्या होगा कि सीड जल्दी से जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा और आपकी भिंडी जल्दी से उगने लगेगी। ये देखो, 6 दिन के बाद बीज अंकुरण हो गया है, जर्मिनेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो फिर आप 7 से 8 दिन का इंतजार करें। ठंडी की मौसम से 10 दिन या 12 दिन लग सकते हैं, गर्मी की मौसम में 4 से 5 दिन में सीड जर्मिनेट हो जाता है। और जैसे ही सीड जर्मिनेट हो जाए, तो उसके बाद अगर आपको लगे तो थोड़ा आप पानी उसमें दे सकते हैं। बेड पे आप ड्रिप पे इस तरह से लगाने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा बीज उसमें लगेगा और प्लांट की संख्या बहुत ही ज्यादा रहेगी। और इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा निकलेगा। मैंने 1 बीघे में 4 किलो सीड लगाया था और उससे फसल में भिंडी की जो प्रोडक्शन निकल रही थी हर एक दिन के बाद, वो 15 मन 17 मन निकल रही थी। और ठंडी के मौसम के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। आप ड्रिप पे ही भिंडी करें, मेरे अनुभव के मुताबिक बहुत ही बढ़िया फसल होती है। आप आगे के वीडियो में देखेंगे कि फसल कैसी लग रही है, आपको मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि भाई प्लांट कैसे बढ़ा, उसे खाद हमने कौन कौन सा दिया। तो किसानों से मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपको पानी की बचत होगी, साथ में आपकी फसल भी बहुत ही अच्छी होगी। और हमने जो बेड पे लगाई हुई है भिंडी, उसके बीच खरपतवार के लिए हमने थोड़ी खुदाई भी करवाई थी, जो बेड के दोनों साइड जगह रह जाती है और फसल उससे क्या होगा कि अच्छा विकास रहेगा। भिंडी की फसल आप देख रहे हो कि इस तरह से, ये 15 दिन की फसल है, 15 दिन में जर्मिनेट होके अच्छा हो गया था। बीच में जो गुड़ाई हुई उससे भी फायदा रहा। और जिस किसानों ने भिंडी का पार्ट 1 नहीं देखा, वो जरूर